खबर रीवा से। रीवा जमीन संबंधी सभी समस्याओं को सुलझाना होगा बिल्कुल आसान। 1 नवंबर से शुरू होगा भू अभिलेख शुद्धिकरण। पखवाड़ा भू अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा में शुरू हुई कार्यशाला, पूरा प्रशासनिक तंत्र हुआ शामिल। सबसे अधिक विवादों की जड़ जमीन संबंधी भू अभिलेखों के शिकायत के बाद अब शासन की मंशा अनुसार भू अभिलेख पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। 1 नवंबर से 15 नवंबर का लगाया जाएगा विशाल भू अभिलेख शुद्धिकरण। पखवाड़े में जमीन संबंधी अभिलेखों का निराकरण किया जाएगा, जिसके लिए आज होटल चंद्रलोक में कलेक्टर इलिया राजा टी सहित पुणे जिले के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम पटवारी सहित पुलिस विभाग को कार्यशाला में आमंत्रित किया गया। जमीन संबंधी मामलों का निराकरण कर उसके घर में शासन प्रशासन खुद दस्तक देगा। इस कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र के साथ स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। महान दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, किसानों से जुड़ी समस्याओं को हम लोग देखते हैं कि चीजों का तो मतलब जब पहले ये होता था बहुत सारे गवर्नमेंट लैंड्स को ऐसे ट्रांसफर किया जा सकता, लेकिन अब उस पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। जब तक कलेक्टर सर की लॉगिन से तहसीलदार साहब द्वारा फॉरवर्ड किए गए आवेदन को यस नहीं किया जाता तो मध्य शासन की जमीनें लेनी भी नहीं जा सकते। तो इस तरह के कई चेक और बैलेंस लगाकर और शासन की जो जमीनें हैं और बाकी चीज़ों को बचाने का गवर्नमेंट ने प्रयास किया है, और ये सब हम लोग का पैरेलल सिस्टम है, जानकारी दे देते हैं जिसमें कोर्ट और बार बार चक्कर लगाने वाली उसकी प्रक्रिया है उसमें बहुत हद तक कमी आ रही है। उसका आदेश हो जाता है तो वो अपने आदेश के बारे में भी सूचित हो जाता है और जहाँ से भी कहना है उसको सर निकाल सकता है। और हमारे बाकी कोर्ट कोर्ट ने उनकी रैंकिंग टॉप 5 में रहती है और लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब सेवाएं सर जो मैं आपको निवेदन कर रहा था कितने केस थे, कितने वहाँ पे लंबित हैं। कई बार सर रीडर फाइल नहीं करते थे इस तरह की स्थितियाँ पहले आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है सर। वो सब हम लोग को शो होता है सर, और डेली गूगल मीट होती है सर 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, और सभी अधिकारियों की एक एक करके समीक्षा होती है सर। हर एक से पूछा जाता है एक भी केस तो समाधान ऑनलाइन का समय से अधिनियम लागू था 31 दिसंबर 2014 के पहले कोई भी व्यक्ति शहरी क्षेत्र में अपना मकान बना दिया तो भूमिहीन व्यक्ति को पट्टा देते थे। बट ये धारणा देना एक ऐसे योजना है, बहुत ही अच्छा स्कीम है दोनों के लिए, शासन के लिए भी और आम नागरिकों के लिए। बट ये शहरी क्षेत्र का ही लागू है। 31 दिसंबर 2014 से पहले शहरी क्षेत्र में आपने मकान बना दिया या इवन कमर्शियल दुकान भी बना दिया, आप है ना आवेदन लगा सकते हैं। इसमें भूमिहीन का कोई बंधन नहीं है, कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। उसको गवर्नमेंट है ना आपको 30 साल के लिए लीज में है ना उसको देगा, उसका बट कीमत फ्री में नहीं देगा है ना, बिकॉज इसमें तो भूमिहीन ऐसा कोई चीज़ नहीं है, इसमें सभी लोगों के लिए है। तो अधिक्रमण होते हैं शहरी क्षेत्र में, ना तो गवर्नमेंट हटा पाती है बट ना तो गवर्नमेंट है ना उनसे भू राजस्व है ना वसूली कर पाती है। तो शासन ने बहुत अच्छा योजना निकाला है। आई थिंक पूरा मध्य प्रदेश में अभी तक सबसे ज़्यादा अप्लीकेशन रीवा में आए, 4,000 की ज़्यादा अप्लीकेशन आए थे सभी शहरी क्षेत्र में, धनमना, नईगढ़ी, छोटी छोटी नगर पंचायतों में, समरिया में तो बहुत कुछ ऑर्डर भी मैंने कर दिया। समरिया का टीम ने बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी कुछ ऑर्डर किया है। इसमें सिर्फ कुछ जमीनें हैं कहाँ हम लोग नहीं दे सकते हैं, जैसे नदी नाला आपको बताई है एंड सड़क के किनारे, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट योजना है, परियोजना है, मतलब नगर निगम और नगर पंचायत है ना चिन्हांकित करके रखा है उस जमीन पे ना हम लोग है ना अधिक्रमण, तालाब, ये सारे आप लोग बताएंगे, ये ज़्यादा जमीन पे पट्टा नहीं देते हैं। माफी और मंदिर की जमीन उसमें भी पट्टा नहीं दिया जाता, उससे छोड़ करके जो है वो SDM और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी हैं, बाकी तो हेल्थ और स्कूल और सबके तो जिम्मेदार लोग दूसरे हैं। इसलिए आपने इस वर्कशॉप के माध्यम से, क्योंकि जब मंथन होता है तो फिर एक ओरिएंटेशन हो जाता है कि अब हमको काम इस दिशा में करना है और ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके बीच में जो अवरोध है उसको से बातचीत करिए, बताइए कि साहब टारगेट तो ये आपने दे दिया लेकिन टारगेट को अचीव करने में ये व्यवहारिक कठिनाई आ गई, और उन व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का काम यदि हमने कर दिया तो टारगेट को अचीव करने में कोई रोक ही नहीं सकता है। इसलिए किसी से काम लेना है तो पहले उसकी सुनना कि भाई काम करने में परेशानी क्या है ये बता दो,
और यदि उसकी परेशानी हमने सुन ली तो उसका समाधान करना, तो कोई भी किसी भी समस्या का समाधान करना तो कोई कठिन नहीं होता है। और समस्या का समाधान यदि आप नहीं होंगे, कहता हूँ कि दावा करेंगे कि रीवा में वास्तविक सुशासन है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग कहने लगे कि रेलवे के मामलों में जिस तरह से रीवा जिले में काम हुआ है, तो सुशासन की स्थापना हुई है, किसानों को राहत हुई है, तो उसमें सबसे बेहतर स्थिति रीवा की यह हो सकता है। इसी के लिए मैं मानता हूँ कि कलेक्टर साहब इसी लिए वर्कशॉप को रख के एक तरह से ओरिएंटेशन हो जाए पूरे रेवेन्यू के हमले का, और प्रशंसा करते हैं। लेकिन काम होगा तभी करेंगे, काम नहीं होगा जबरदस्ती हम कहेंगे कि हम तो मरे जा रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर भी ठोकने वाला नहीं, साहब हम तो पूरी ताकत लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं। यदि हम काम करेंगे तो लोग हमको पलक पावड़े बिछा के अपने तरके में क्रांति हरा दी हम लोगों ने, उस दिन तो आप सफलता को प्राप्त करें और रीवा में एक रोल मॉडल के रूप में रीवा बढ़े पूरे प्रदेश में, जिससे कि मुख्यमंत्री जी को यह एहसास हो कि इस क्षेत्र में भी रीवा ने कमाल कर दिया और रेवेन्यू के मामलों के निराकरण में प्राप्त आपकी वर्कशॉप सफल हो, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के ना मार्गदर्शन में आज एक कार्यशाला आयोजित है, उसमें हम लोगों ने हर सब डिवीज़न से तहसील लेवल से किसान और ना वकील और हमारे सभी अधिकारी को बुलाए हैं। इसमें राजस्व विभाग के द्वारा कितने भी ऑनलाइन सेवाएं दिया जा रहा है उसको वापस ने एक जागरूकता कार्यक्रम टाइप का रखा है, उसके साथ साथ अभी राजस्व विभाग के द्वारा भू अभिलेख सुधारीकरण की पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है 20 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक का। 1 नवंबर तक है ना सारे केसेस रजिस्टर्ड होंगे, हर गांव में पटवारियों के द्वारा B1 की वाचन होगा, उसमें फोती नामांतरण से लेकर, ये लगातार अभियान तो पहले भी हुआ है बट इस बार हम लोगों ने एक 12 बिंदु है, उसमें कसरा सुधार भी है, पोती नामांतरण है, और किसी भूमि स्वामी का नाम नहीं आया है, पूरा कसरा में उसका नाम मिसिंग है, इस प्रकार का 12 प्रकार का डाइवर्शन का है ना एंट्री है, और परिमार्जन नहीं होता है, परिमार्जन है, सो कितने भी कसरा सुधार की चीज़ें हैं 12 प्रकार का, उन सभी को पटवारी लोगों को प्रॉपर है ना टारगेट दिया हुआ है। सारे पटवारी अपना हल्का मुख्यालय पर रहते हुए 30 अक्टूबर तक है ना इस कार्यक्रम को संपादित करेंगे, और 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में सारे केसेस को डिस्पोजल होगा। आशा है इसके माध्यम से हमारी रेवेन्यू का बहुत सारे पेंडेंसी है, फोती नामांतरण को हमेशा प्रॉब्लम होती है, मुझे लग रहा है अभी भी है ना हर तहसील में हज़ारों के ना केसेस है ना फोती नामांतरण केसेस पेंडिंग है, वो सारे इस अभियान के माध्यम से सुलभ तरीके से निपटाएंगे।